नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ किरण। आज 26 अक्टूबर 2022 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम मौजूद है आलो शहर के गुमिनकिन में। आज यहाँ पे ATPWDS यानी कि आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का 7th फाउंडेशन डे है। आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एक्स मिनिस्टर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल के समूह से बना एक गैर सरकारी संगठन है, जो कि आलो शहर में रहकर आलो शहर और या वेस्ट सियांग जिले के अंदर हो रहे जितने भी विकास से जुड़ी गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखता है। साथ ही अलग अलग तरह के सामाजिक मुद्दों पर अपना आवाज़ उठाता है और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। आज ATPWDS के इस 7th फाउंडेशन डे में मुख्य अतिथि के रूप में 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक एडवोकेट केंतो जिनू यहाँ पे आने वाले हैं। साथ ही वेस्ट सियांग जिले के डिप्टी कमिश्नर पंगा तातो वो आ चुके हैं, अब मुख्य अतिथि का इंतजार है। तो बने रहेगा फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के साथ और देखते हैं कि आज किस तरह से आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का 7th फाउंडेशन मनाया जाता है और किन मुद्दों पर आज विचार विमर्श किया जाता है। अरे सी हो नमस्ते। It's my pleasure to welcome you. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. Today we are celebrating 7th Foundation Day of ATPWDS, Alo Town Public Welfare Development Society. Thank you.
लेटर श्रीमती लेटर लॉर्ड सौरा लाली सौरा लाली लेकिन मयूरंगे On and Deputy Commissioner Waisyang, no more request to Momentum no kalang loko eh. Algo office near kan dan Jisru bi kal. Puri no felicitation di basic. No wisdom of a long experience. No kayang will debate for who will do. Puri chairman eh. Miss LTP WDS Service Mando Igeba. मैं आज बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट एटीपी WD7 फाउंडेशन डे में हमको बुलाया है, चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर डीसी सर को बुलाया है, तो आज सब घूमिन किने में हमको सब बुजुर्ग मोस्ट एक्सपीरियंस लाइफ में जो जो जानना था वो जानने वाला आदमी लोगों का साथ रह के बहुत खुश हुआ। और जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, वेलफेयर मेजर हो, तो उसमें विस्तार में आज डेवलपमेंट का बारे भी बात किया, कैसे आलो को आगे ले जाना है उसका भी बात किया है, तो मैं आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी सर, सर जब आप अंदर ATPWDS के सभी मेंबर्स को संबोधित कर रहे थे, आपने कुछ कुछ बातें अपने प्लान्स उसके बाद आने वाले जो नई चीज़ें हैं आलो शहर के अंदर आपने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिसमें कि खुशखबरियाँ भी बहुत सारी थी, तो संक्षेप में सर सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल सकेंगे सर। जी, जो कोरोना के बाद से 2 साल तो निकल गया, फिर भी आलो में जो भी डेवलपमेंट होना था हॉस्पिटल को लेके, हॉस्पिटल भी हमारा बना रहा है, हॉस्पिटल में जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स होना है वो सब हो गया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सब है जी। तो पानी को लेके हम बये से 20 किलोमीटर दूर से लेके आलो में आ रहा है, ATP WTP बिली में इस्टेब्लिश कर रहा है, 1 साल के अंदर में वो भी ऑगमेंटेशन पानी सप्लाई करना शुरू करेंगे, और रोड हमारा CCI में CC पेवमेंट 9 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होना है जी। तो 7 किलोमीटर आउट ऑफ आज तक 3 किलोमीटर विद इन टाउन रोड में हम CC पेवमेंट किया है, रेस्ट अभी 4 किलोमीटर करना है जी। और CMRS में हम लोग ब्लैक टॉपिंग 9.4 किलोमीटर होगा, तो विद इन 2023 में होगा। हमको बहुत पूरा आशा है कि 2024 तक 95% ऑल ओवर रोड बहुत अच्छा ब्लैक टॉपिंग LCC पेमेंट होगा जी जी। एंड डेट एफर्ट आलो में हमारा बहुत साल से अच्छा बैडमिंटन कोर्ट नहीं था, बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया है, बैडमिंटन कोर्ट को यहाँ से 23 को हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी आ रहे हैं इनोग्रेट करने के, और सर्किट हाउस भी वेल फर्निश करके रखा हुआ है, सर्किट हाउस को भी 23rd को चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू जी इनोग्रेट करेंगे, और हमारा नया कन्वेंशनल हॉल यहाँ में आलो क्लब में हम लोग बनाने का प्रपोजल है, इसको डिसमेंटल करके वो भी हम कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रेक्टर से भी दरख्वास्त करेगा कि वो विद इन 2023 में बनाए जी। ये हाई टेक कन्वेंशनल हॉल हो गया, मीन यानी कि मीटिंग हॉल होंगे जिसमें 500% एकोमोडेशन होगा हमारा, और आलो बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है लेकिन हमारा कन्वेंशनल हॉल नहीं था, तो उसको देखते हुए हमारा पेमा खांडू जी हमारा चीफ मिनिस्टर 10 करोड़ सेंक्शन किया है, उसको भी टेंडर हो गया बना रहे हैं, और बहुत सा डेवलपमेंट हो रहा है और होंगे जी। सर डंपिंग ग्राउंड अभी आलो के लिए एक बहुत ही, प्रशासन के लिए भी एक बहुत ही बड़ा सरदर्दी है, और प्रशासन भी काफ़ी परेशान है डिप्टी कमिश्नर साहब की बातों से लगा, सर आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? डंपिंग ग्राउंड तो ये 1-2 साल का बात नहीं, ये
चार पांच टिकट्स से बहुत लंबा प्रॉब्लम वाला है, टैक्स इशू है, लेकिन मैं कोशिश किया एक पौधी में एक ज़मीन लिया था, उसको भी गुने वाने वाला नहीं मान रहा है, दिल्ली में मिला है कोम्बो वाला नहीं मान रहा है, द्वारका में भी लिया था द्वारका वाला भी नहीं मान रहा है, तो मैं अभी एक आइडेंटिफाई करके रखा है, मैं कोशिश करूंगा उसी में सेंट्रल फंड लाके उसी में हम शिफ्ट करने का जी, और मैं कोशिश करके मैं सक्सेस होगा, कामयाब होगा बोल के भी मैं सोच रहा हूँ। अभी तो ये देखिए आलोका आउट स्टेडियम जो है सेवन इयर्स होने को है जो विदाउट एनी डेवलपमेंट ये तब पड़ा हुआ है, लेकिन मैं विधायक होते होते मैं सेंक्शन कराया, पहले 1 करोड़ दिला, देन 3 करोड़ दिला, अभी 20 करोड़ समथिंग हम सेंक्शन करवाया है, तो 20 करोड़ सेंक्शन काम होते होते पैसा भी गवर्नमेंट हमारा चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में हमको पैसा देने के लिए पेमा खांडू जी देने का आश्वासन भी हमको दे के रहता है, इसीलिए मैं ITPWDS और पब्लिक ऑफ आलो को भी अपील करता है कि कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए, गवर्नमेंट की ओर से कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ा है, पैसा जितना देना था दे के रखा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर का लेजीनेस का वजह से वीकनेस का वजह से ये नहीं होगा जी। मेरा आखिरी सवाल सर, आज आप ATPWDS के फाउंडेशन डे पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो ATPWDS और आलो शहर को साथ में अगर जोड़ के सर आप भविष्य कैसे देखते हैं सर? ATPWDS का जो शेयर पर्सन जो है हमारा परमानेंट मंत्री है, एडवाइजर भी परमानेंट मंत्री है, और ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर वेल एक्सपीरियंस पर्सन, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, रिटायर्ड SP है, रिटायर्ड कमांडेंट, रिटायर्ड डायरेक्टर्स, मैंने सब नॉलेजेबल पर्सन लोग हैं। मैं हमेशा लिए कोशिश ये करता हूँ कि ये लोग से सलाह मशवरा करके जो भी कार डेवलपमेंट हो कहाँ करना है क्या करना है हम मिलजुल के काम करेंगे तो और बहुत तरक्की होंगे और अच्छा राह में हम जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड आफ्टरनून सर। सर हाल ही में आपके नेतृत्व में वेस्ट सियांग जिला प्रशासन के तरफ से काफ़ी वर्षों से प्रतिबंध जो लगा कर रखा गया था यमुना नदी का में जो गिल नेटिंग किया जा रहा था उसे आपने लिफ्ट ऑफ कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि मछलियाँ तो काफ़ी सारे यमुना नदी से निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पर मार्केट तक नहीं आ पा रहा है। रिगार्डिंग रेट को लेकर सर, 300 छोटे मछलियों के लिए और बड़े मछलियों के लिए 350 का रेट आपने लगाया, लेकिन सर यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है, आपका क्या कहना हुआ सर? थैंक यू। इस विषय में मैं एक्चुअली ये जो 2023 जो इसमें एक ये था कि इसका जो प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर जो है बैनिंग पीस नेटिंग जी, तो मैंने जो ATPWDS से बात करके उन ये जो है हम लोग इसका लिफ्टिंग हो गया है और प्रेजेंटली हम लोग जो है आइडेंटिफाई किया है कि जो जहाँ में पीस अवेलेबल होगा ये एक बोगडो एक जगह है, देन एक कुआगुमिन में एक पीस मार्केट एक जगह है, देन पाक्टू हेरिटेज में है और गुमिन नगर में है, तो ये एक जो एक्चुअली हम लोग जो आइडेंटिफाई करके रखा है। तो अभी सुनने में जैसे मेरा तरफ से यही कोशिश रहेगी कि रेट को जो 350 हम लोग फिक्स करके रखा है और जो बड़ा पीस है और स्मॉल जो है 300 है, तो ठीक है। पब्लिक से भी मेरा अपील रहेगा कि और जो मैं जो मछुआ है जो भी हो जो जो ओनर से जो जिसका जो टेंडर ओनर्स है उनका भी मेरा एक अपील रहेगा कि जैसे हम लोग ने एक रेट फिक्स करके रखा है 350 एंड 300, उस रेट के ऊपर में जैसे हमने रेट बनाया है उसमें आप सेल करने से ठीक है, अगर कोई सेल अगर इसका अगर रेट में सेल नहीं करता है तो पकड़ा जाएगा, तो हम लोग तो एक्शन तो हम लोग लेगा और अरेस्ट भी होगा, और पब्लिक से भी मेरा एक अपील है कि आप लोग कॉपरेशन कीजिए, जो इसका बियॉन्ड दैट रेट आप लोग नहीं दीजिए, नहीं देने से ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ दीजिए। अगर कोई इश्यूज है ये नहीं कि ऑर्डर दिया है इस उसी रेट होगा वो बात नहीं है, तो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। इसके लिए मैं जो मछुआ जो ओनर से जो टेंडरर से इस पीस नेटिंग का आज का डेट में है मेरा एक अपील रहेगा, आपका इस रेट में कोई इशू है तो अपील कीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट हमेशा सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आज का डेट में जो रेट है उसको फॉलो करने से ठीक है, और उसी रेट में आज का जब तक ये रिव्यू नहीं होता उसी रेट में होगा, और कोई रिपोर्ट मिलेगा ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या कोई बाहर में ईटानगर भेज रहा है, कहीं भेज रहा है या अंदर में भेज रहा है,
उसका जो रेत का जो फिक्स रेट का ऊपर वो एक्शन लिया जाएगा, अगर खबर मिलेगा तो एक्शन होगा। ये बिल्कुल मेरा एक मैसेज है और पब्लिक से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो ये रेत में आप खरीदने से टीके और जो नेटी में जो मासुआ जो जो आज का डेट में जो टेंडरर्स है उनको भी हम मेरा अपील रहेगा उस रेत में आप बिक्री कीजिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे। अगर कोई इश्यूज है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में दीजिए, जरूर सुनाई जाएगा और क्या कर सकते हम लोग जो ये कोशिश जरूर करेगा कि आपका भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा आम जनता का भी पब्लिक ना प्रॉब्लम ना हो, एक मिडिल वे एक हम लोग जरूर कोशिश करेगा। लेकिन जो कम्प्लीटली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो डीसी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वायलेट करेगा ये तो एक ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो एक्शन लिया जाएगा, जरूर एक्शन लेगा। मैं इसके लिए मैंने जो रेट है उससे आज का जब तक रिव्यू नहीं होता बिक्री नहीं होना है। और इसका आज जैसे आपने हमको ठीक है एक मेरा एक पब्लिक से भी एक मैसेज यही है कि जैसे जो बैन लिफ्टिंग जो है अभी पातुम से लेकर ये खम्बांग तक है, स्पेशली ये योंगो रिवर में है और इसमें भी लिफ्टिंग यही है कि इसमें सिर्फ माछुआ का नेटिंग का होगा, लेकिन इसमें कोई जनरेटर यूज़ नहीं होगा, ब्लास्टिंग नहीं यूज नहीं होगा, कोई ब्लीचिंग का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर अगर ऐसा कुछ यूज़ होगा उसको भी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। और ये ऑर्डर जो है जैसे हमारा जो बस्ती में है जो नदियाँ है उसमें लागू नहीं होगा, वो नेटिंग भी सब कुछ उसमें जैसे पहले जैसे ऑर्डर है वो रहेगा, सिर्फ एक एक्सेप्शनल है कि ये इस नदी में जो योंगो रिवर बाकी जो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 2020 मार्च तक वो एक्सटेंड रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।